हेलो गाइज, आप देख रहे हैं राहुल आर्ट चैनल और मैं स्वर वर्ण का ई लिख रहा हूँ, जो मैं बहुत ही आराम से लिख रहा हूँ ताकि आपको ब्रश का पॉइंट दिखाई दे। और मेरे ब्रश के पॉइंट को देखिए और अभ्यास कीजिए, निश्चित ही आप बहुत जल्दी ही ऐसा लिखना सीख जाएंगे। और ये देखिए मैं लिख रहा हूँ और मैंने ब्रश कैसे रख रहा हूँ, कैसे उठा रहा हूँ, कैसे मोड़ रहा हूँ, इन सब बातों पर ध्यान दीजिए ताकि आपको आसानी से ऐसा लिखना आ जाए। और ये देखिए मैंने और लिख दिया है और मैं एक बोर्ड पर लिख रहा हूँ एनिमल पेंट से। और ये साइज दिया है मैंने 6 इंच का और ब्रश मेरे हाथ में है 12 नंबर का। और अगला अक्षर मैं ई लिखूँगा, जो इस पर ध्यान दीजिए, हमारे ब्रश के पॉइंट पर ध्यान दीजिए और मैं कैसे रख रहा हूँ, कैसे ब्रश को हटा रहा हूँ, कैसे मोड़ रहा हूँ, ये देखिए ज़रा इन सब बातों पर ध्यान दीजिए, निश्चित ही आप जल्दी सीखेंगे। ये देखिए मैंने कैसे कहाँ छोड़ रहा हूँ, कहाँ से रख रहा हूँ, ज़रा इन सब बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ब्रश के पॉइंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये देखिए मैंने बड़ी ई की मात्रा लगाई है, बड़ी ई लिखी है मैंने। और आगे देखिए, ये देखिए मैंने ऊ लिखूँगा, छोटी ऊ। ये देखिए मेरे ब्रश को देखिए, ब्रश के पॉइंट को देखिए और ये देखिए मैं कैसे रख रहा हूँ, कैसे घुमा रहा हूँ मैं। ये देखिए पॉइंट, मैंने ब्रश को कैसे रख कर यहाँ से मिलाया इसे। और ये देखिए तैयार हो गया। ये दूसरा मैं लिख रहा हूँ बड़ी ऊ और उसको भी देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ। ये देखिए मैंने ब्रश को कैसे रखा, कैसे घुमाया और कैसे ये मिला रहा हूँ, इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए मैंने इसे भी, ये देखिए मैंने छोड़ दिया और यहाँ देखिएगा मैं ब्रश कैसे रख रहा हूँ। ये देखिए फिर यहाँ से लाकर नीचे छोड़ दिया और ये अक्षर तैयार हो गया। और आगे देखिए, ये मैं ए बनाऊंगा। ये देखिए मैंने लाइन खींचा और कैसे कट कर दिया और कट करके मैंने ब्रश को कैसे रखा, ये देखिए फिर मोड़ दिया मैंने ब्रश को ये। और ये देखिए फिर मैं कैसे लाकर मोड़ा ब्रश को ये। और फिर बड़ी ए लिखूँगा, आई लिखूँगा। ये देखिए ये मैं दूसरे तरीके से ए लिख रहा हूँ। एक तो मैंने ये लिख दिया और ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। ये देखिए मैं ऐसे भी लिखता हूँ। और ये अगला है मात्रा कैसे लगाएंगे, मैंने इसका भी लिख दिया कि आपको परेशानी ना हो। ये देखिए, ये देखिए मैंने कैसे मात्रा लगाया
तो दोस्तों मैं इतनी आसानी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे लिख रहा हूँ ताकि आपको किस तरह की परेशानी ना हो, और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी कीजिए, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभ्यास ज़रूर कीजिए। और ये देखिए, ये मैंने छोटी उ मात्रा लिखी है, अभी मैं बड़ी उ की मात्रा लिख रहा हूँ। ये देखिए मैंने ब्रश को कैसे घुमाया, कैसे रखा, कैसे मोड़ा, इन सब बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। और ये देखिए ए की मात्रा लगाऊंगा। मैं बार बार ये आपसे कहता रहूंगा कि आप मेरे ब्रश के पॉइंट पर ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए और सीखिए। दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ।